एसटी एसटेट 2024 दे फॉर्म आ चुके ने। कुछ कैंडिडेट जिहड़े किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स दे विच जां टीचर एजुकेशन कोर्स विच जां टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो शब्द वरत्या गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उहदे फस्ट सैम विच ने, मीन कि उन्होंने अजे एडमिशन लई है। बेशक वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विच ने, आई टैप जिसनूं बोलदे आ, बी ए बी एड, बी एस सी बी एड, बी कॉम बी एड वो कर रहे हैं। बेशक वो बी एड टू ईयर कर रहे हैं, बेशक वो बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, बी एड विद स्पैशल एजुकेशन कर रहे हैं, कोई भी टीचर एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं और फस्ट सैम विच ने, मीन हुण इसे महीने विच एडमिशन हुई है, तो की वो पी एस टैट का फॉर्म फिल कर सकते हैं? आंसर है यस। आंसर की वैलिडिटी ए नैशनल कौंसल फॉर टीचर एजुकेशन वालों जो सर्कुलर जारी किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बेस पर है, जिस विच ए सब्जेक्ट की है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टीचर एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन सी टैट। सी टैट च है, लेकिन टैट च अगे लिखा हुआ कि सारे स्टेट टैट भी एलिजिबल है। इतने ये टर्म वरती गई है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, टी टी सी आएगा, है ना। परस्यूइंग वर्ड लई ए डिबेट सी जिहड़ी क्लैरिफाई की गई है। ये डिसीजन है कोर्ट का, कोर्ट के डिसीजन तो बाद ए दिता गया है एन सी टी वालों कि इट इज़ क्लीयर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया दैट कैंडिडेट हु हैज़ बिन एडमिटेड इन एनी टी टी सी टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अंडरगोइंग ए द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टी टी सी कैन बी सैड टू बी परस्यूइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड फेयर रीडिंग ऑफ क्लोज 1.2 ऑफ एन सी टी गाइडलाइंस ए परसन हु हैज़ बिन एडमिटेड इन टी टी सी एंड परस्यूइंग। सो ये शब्दावली का निचोड़ की है वो मेरे ख्याल देख लेना चाहिए है। इन द व्यू ऑफ अबव इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द फेयर रीडिंग ऑफ क्लोज 5.2 of NCT guideline, a person who has been admitted in TCT is pursuing, he or she are eligible for appearing in a TET exam. TET exam है, it means state the teacher eligibility test या central teacher eligibility test हुए, उद विच तुसी appear हो सकते हो, सो तुसी form fill कर सकते हो। If otherwise मेरे ख्याल अगे काफ़ी है इन्ना जान लेना। सो कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वैलिडिटी लाइफ टाइम होंगी है, जे तुसी हुण भी भरते हो तो सारी उम्र लई तुहाडा ए पास होया पी एस टैट रहेगा। इस तो इलावा मार्क्स की गल है, जनरल कैटेगरी 92 और रिजर्वली 90 और रिजर्वली 82 मार्क्स जिहड़े ने चाहिए ने। सो हर हालत विच इन्हां नूं तुहानूं भरना चाहिए है, क्योंकि कि दूसरा पी एस टैट कदों हुंदा है जरूरी नहीं है कि अगले जून विच हो जाए, डिले हुंदे हुंदे देखो दिसंबर विच हो रहा है, जरूरी नहीं है कि पहली बार असीं पास हो जाइए, जरूरी नहीं है कि असीं बहुत अच्छे अंक लै लईए, क्योंकि जॉब विच अंक भी कई बार शामिल कर ले जांदे हन। सो इन्हां सारिया चीज़ों नूं देखते हुए सैम वन दे जिहड़े टीचर एजुकेशन दे बी एड दे डी एल एड दे बी एल एड दे जिहड़े स्पैशल एजुकेशन दे और आई टैप दे स्टूडेंट्स ने, उन्होंने पी एस टैट भरन का सोच लेना चाहिए है। हाँ, जे तुसी तैयारी देखो, 1000 रुपये का नुकसान मैं कह सकता हो जाएगा, जो तैयारी नहीं भी है पिछले साल के पेपर तुसी सॉल्व करके ये जरूर दे दो, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं। साढ़े लर्न टू एक्चुलाइज का प्रोग्राम हार्डली 100-150 रुपये का होएगा, वो तुसी परचेज कर सकते हो जो ठीक लगे, नहीं तो बाजार विच है ऑनलाइन सब कुछ पिया होया है, पिछले साल के पेपर ने थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पेगी। सो तुहानू ये स्टैप जिहड़ा है गवर्नमेंट जॉब वल जाने लई क्लीयर कर लेना चाहिए है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।